दुनिया के ऐसे 10 सवाल जिसके आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया है, तो ऐसे ही 10 सवाल को लेकर आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से 10 सवाल है जिनका आंसर किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी इंसान, किसी भी भगवान के पास भी नहीं है। What is the universe made of? ये जो हमारा यूनिवर्स है ये किस चीज़ से बना है ये आज तक किसी को भी पता नहीं है। एक्चुअली साइंटिस्ट ने सिर्फ आज तक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के होने के बाद भी यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाया है। बाकी के 95% पार्ट्स जो यूनिवर्स के हैं वो आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। साइंटिस्ट को सिर्फ इतना पता है कि जो यूनिवर्स का 5% जो हमें मिला है वो सिर्फ एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, इसीलिए उन्होंने बाकी 95% का नाम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दे दिया, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली वो किससे मेड अप ऑफ है। साइंटिस्ट को 80 साल लग गए सिर्फ इसको डिक्लेयर करने में कि 95% ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। 1933 में साइंटिस्ट ने यह बोला था कि यूनिवर्स में एक ऐसा फोर्स है जो कि सारे यूनिवर्स को एक साथ इकट्ठा करके रखता है। बट 1998 में साइंटिस्ट को यह पता चला कि यूनिवर्स को सिर्फ बांधने वाली फोर्स ही नहीं है, जिसको फैलाने वाली फोर्स भी एक ऐसी ताकतवर फोर्स है जिसका नाम किसी को भी पता नहीं है, वो क्यों फैला रही है वो भी किसी को पता नहीं है, और उसकी जो रेवोल्यूशन स्पीड है, जो कि एक्सपैंडिंग स्पीड है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। How did life begin? इस यूनिवर्स में सबसे पहले लाइफ कौन सी थी? लाइफ एक्चुअली बिगिन कैसे हुई यूनिवर्स के अंदर? एक जीव जंतु, एक लिविंग बीइंग का जन्म कैसे हुआ? अब आप ये मत बोलना कि आदि और मानव ऐसे दो इंसान आए थे जिनको भगवान ने भेजा था और उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ा दिया। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट दी बैक्टीरिया। अब आप मेरे को ये भी बोलोगे कि यार उस टाइम एस्ट्रॉइड कॉमेट्स अर्थ पर आकर गिरे थे जिसके अंदर ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स थे, बट द क्वेश्चन इज अगेन कि उसके अंदर वो मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए भाई? आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले रहते हैं या फिर हमारे साथ और कोई है? मेरे को पता है इसको सोचते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बंदा एलियंस के बारे में बात कर रहा है, बट नो, एलियंस इज अ पार्ट, बट उसको छोड़कर कोई और भी है जो हमारी यूनिवर्स में रहता है लाइक अस। एक थियरी ये सामने निकल कर आती है कि इस यूनिवर्स में 60 मिलियन प्लैनेट्स है जो कि अलोन है, जिसके अंदर कोई भी नहीं है, ये हमें पता है। बट क्या आपको ये पता है कि वो 60 मिलियन प्लैनेट्स के अंदर कोई है जो कि हमें नहीं पता है, बट उनको पता है कि हम हैं? वाई डू वी ड्रीम? हम सपने क्यों लेते हैं? हम किस लिए सोते हैं? इसका जवाब तो सिंपल है कि हम टायर्ड होते हैं, हम सो जाते हैं, बट सोने के बाद हमें नींद आनी चाहिए। नींद के अंदर सपने क्यों आते हैं हमें? आपको यह पता है हमारी लाइफ की 1/3 मतलब एक तिहाई हिस्सा सिर्फ सोने में निकल जाती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सपने आने से हमारी लर्निंग पावर इंक्रीज होती है, हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, बट प्रैक्टिकली नो आंसर। वेयर डू वी पुट ऑल अवर कार्बन्स? क्या आपको पता है कि हमारे इस दुनिया में हमने इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रखा है कार्बन की वजह से? कार्बन कहाँ से आता है? जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जनरेट करते हैं तब कार्बन निकलता है, एंड उस कार्बन को हमने इतना ज़्यादा फैला दिया कि आज के टाइम पर हमें ये पता है कि उस कार्बन को हमें भगाना है, बाहर निकालना है, फेंकना है, बट किसी को ये पता नहीं है कि उस कार्बन को अभी हम कहाँ पे फेंकें। वॉट एट द बॉटम ऑफ द ओशन? आपको पता ही है कि हमारी इस पृथ्वी में 75% पानी से ऑक्यूपाइड है, जो कि है ओशन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, बट क्या आपको ये पता है कि ओशन को हमने आज तक पूरा एक्सप्लोर किया ही नहीं है? इस दुनिया का 95% का जो ओशन का पानी है वो आज तक अनएक्सप्लोर्ड है, इसी वजह से आज तक किसी को भी पता नहीं है कि ओशन के बॉटम में क्या है। क्या वहाँ पे सोना है? क्या वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टेरिटरी जीव्स रहते हैं लाइक एलियंस, या फिर और कोई है जो ओशन के इतने भीतर है जहाँ हमें अलाउ नहीं किया जा रहा है? मुझे पता है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, बट आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके बाद जो सबसे मेन क्वेश्चन का आंसर आज तक नहीं मिला है वो मैं बताने वाला हूँ। What is the bottom of the black hole? बचपन से आज तक इंटरनेट पर, बुक्स पर, लोगों के जुबान पर आपने नाम सुना होगा ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल, बट क्या आपको यह पता है कि ब्लैक होल के बीचों बीच में
एक्चुअली क्या है। आइंस्टीन ने ये प्रूव किया था कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी से जब भी कोई स्टार मरने वाला होता है तब वो अपने अंदर ही सिंक कर जाता है, अपने आप को ही खा जाता है एंड एक इतना ज़्यादा छोटा सा शेप ले लेता है जो कि उसकी ग्रेविटी को इतना ज़्यादा इंक्रीज करता है क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है और उस ब्लैक होल के बॉटम में एक सिंगुलैरिटी नाम से एक चीज़ होती है जो कि सब कुछ समाप्त कर देती है। बट उस सिंगुलैरिटी के अंदर क्या है या आज तक किसी को भी पता नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भी ब्लैक होल के अंदर जाता है वो व्हाइट होल से बाहर आता है, बट अगेन इट्स ऑल थियरी, प्रैक्टिकली नथिंग हैज बीन प्रूव्ड। आशा करता हूँ आपको ये 7 सवाल अमेजिंग लगे होंगे। अगर आपको इस 7 सवाल के किसी का भी आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर दो एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट आए। तो बस दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी और वीडियोस आ पाएँ आपके यूट्यूब ऐप पर। तो बस मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।